नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन यूपीएससी चैनल पे। मैं हूँ अनुमिता मिश्रा और हम लोग जैसे कि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कवर कर रहे हैं, आज हम लोग उससे रिलेटेड विंड एनर्जी करेंगे। सोलर एनर्जी हम लोग ने कल किया था, है ना, कल की क्लास में। तो विंड एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड मॉर्निंग अजीत, गुड मॉर्निंग अंजलि, मनोरमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों हम लोगों ने जैसे कि पढ़ा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी का यू नो कंट्रीब्यूशन है। दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज ये दोनों सबसे प्लेंटी में अवेलेबल है। इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा आप एकर्स में आप इस एनर्जी को सेटअप कर सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट अवेलेबल सब जगह ही। ऑलमोस्ट आपको धूप, विंड, ये सब की सुविधा नेचुरली आपको मिल रही है। तो इसके लिए दिस इज द मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ जनरेशन ऑफ पावर थ्रू नेचुरल रिसोर्सेस और जो रिन्यूएबल भी हो। ठीक है, तो दोस्तों विंड एनर्जी के संदर्भ में जैसे कि हम लोग आज कवर कर रहे हैं, तो क्या है विंड एनर्जी वो पढ़ें। सो विंड एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी, है ना। जैसे हम लोग किसी चीज के मूवमेंट से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो इट इज ए काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ एटमोस्फेरिक एयर। तो हवा जो दोस्तों मूव करता है उससे एक एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वही विंड एनर्जी में हम लोग कैप्चर करते हैं। ठीक है, सो विंड टर्बाइंस, जो जो विंड एनर्जी मतलब समझ ही गए कि जो है ना मतलब मूवमेंट ऑफ एयर, उसी से जो जनरेशन होगा उसी को हम लोग कैप्चर करते हैं थ्रू मेथड्स एंड प्रोसेसेस। एंड देन उसको फिर कन्वर्ट करते हैं हम लोग जिस मोड में यूज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पावर जनरेशन के लिए, राइट। आसपास कोई इंडस्ट्री है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, आसपास के गांव और शहरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आप विंड ऐसा जो दोस्तों विंड मिल्स वगैरह बहुत जगह देखे होंगे, इट इज देयर। बहुत सारे जो फ्लैट लैंड्स है, खाली खाली जगह है, वहां पे आपको ये विंड एनर्जी का सेटअप दिख जाएगा। सो विंड टर्बाइन्स ट्रांसफॉर्म द एनर्जी ऑफ इन द विंड इंटू मैकेनिकल पावर। इसको मैकेनिकल पावर में ट्रांसफॉर्म कर देता है, फर्दर कन्वर्टिंग इट इंटू इलेक्ट्रिक पावर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फर्दर इसको इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं वो हमें मिलता है। तो देखो जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन एंड इंडिया, ये सारे जो कंट्री है उसमें 80% जो है विंड एनर्जी जो ऐसे करके विंड मिल्स के माध्यम से मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। दीज आर द कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा विंड एनर्जी प्रोड्यूस होता है। 80% दोस्तों यहाँ के ये जो सारे कंट्रीज है, जर्मनी, एट्टी परसेंट दोस्तों यहां से ही जनरेट होता है। दुनिया में जितना भी इंस्टॉल एनर्जी है उसमें जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन और इंडिया का प्रोडक्शन या कंट्रीब्यूशन आप बोल सकते हैं कि विंड एनर्जी के उत्पादन में है। विंड फार्म्स दोस्तों ये देखो, खेती खेती जैसे होता है ना, खेती में आप लोग पेड़ पौधा हम लोग सब उगाते हैं, पूरे स्ट्रेच ऑफ लैंड में खेतों में फल फूल उगा देते हैं। तो इस फार्म में दोस्तों हम लोग सेटअप करते हैं विंड मिल्स का। देखो ये बहुत ही सुंदर, यहाँ पे शूटिंग वूटिंग सब होता है, लोग तो फोटोज भी खिंचाने आते हैं और ऐसे भी घूमने में ये सारे जगह पे लोग घूमने भी आते हैं, टूरिस्ट स्पॉट, बिकॉज दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, है ना। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, ये तो पानी में भी सेटअप किया गया है और ये लैंड में। सो विंड फार्म इज अ ग्रुप ऑफ विंड टर्बाइंस, इसको विंड टर्बाइंस बोलेंगे, इन द सेम लोकेशन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सब यहाँ पे सेटअप किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विंड एनर्जी।
तो ऑफशोर विंड फार्म्स क्या है? ऑफशोर एंड ऑन शोर, ऑनशोर में हो गया ऑपरेटेड ऑन लैंड मतलब समुंदर से दूर, जस्ट लैंड पे, लैंड फार्म्स जो स्ट्रेच मतलब हाईलैंड से पहाड़ के नीचे जहाँ पे हवा बहती है, हवा अच्छी खासी चल रही है, तो वो सारे रीजन्स पे दोस्तों आप देखोगे, यू नो मुंबई के आउटस्कर्ट्स में अगर कोई जाएगा तो वहां पे आप देखोगे वो चारों तरफ दोनों, मुंबई टू लोनावला खंडाला अगर आप जा रहे हो तो वहां पे आप देखोगे कि दोनों तरफ विंड मिल्स या विंड फार्म जो है वो देखने को मिल जाएगा, बिकॉज वहां पे हवा अच्छी चल रही है, वहां को जो जिस डायरेक्शन से विंड आ रही है सो दैट इज फेवरेबल फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे सेटअप किया जाता है। सो ऑपरेट ऑन लैंड वेयर द विंड टेंड्स टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, जहां पर विंड बहुत ही स्ट्रांग होगा है ना, जब हिलेगा ही नहीं तो जनरेट भी नहीं होगा, इसलिए इसका मूवमेंट जो है ये रोटेट करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो और वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो। तो ये प्रोसेस होने के लिए दोस्तों क्या जरूरी है कि यहाँ से विंड अच्छी खासी जो है वो मूव करे है ना, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। द टर्बाइन्स ऑफ द ऑनशोर विंड फार्म्स आर लेस एक्सपेंसिव एंड इजियर टू सेटअप, ये कम है क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत अच्छी जमीन होती है ना लैंड ऑनशोर का, तो यहाँ पे इजी होता है ये सारे जगह पे सेटअप करने में, एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी दोस्तों बेहतर है, मेंटेन एंड ऑपरेट देन ऑफशोर। तो यहाँ पे दोस्तों ऑनशोर में मेंटेनेंस इजी है, सेटअप इजी है, आप ये कहीं पे अगर जगह अलग अलग जगह पे आप घूमने गए होगे तो आप देखो देखे होगे कि ये विंड फार्म्स आपको दिख रहा है। गुड मॉर्निंग राजेंद्र, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों ये ऐसा नजारा है जो आपको देखने को मिलता है, इनलैंड भी देख सकते हो और तट पे भी देख सकते हो, मतलब जहां पे समुद्री हवा भी मिलता है वो सारे जगह पे भी आपको ये देख सकते हो, तो ऑफशोर विंड फार्म हम लोग कहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड फार्म्स इन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऑफशोर विंड फार्म्स आर मोस्ट एक्सपेंसिव देन द ऑनशोर विंड फार्म्स ऑन द सेम नॉमिनल पावर। तो ये सारे जो दोस्तों जो सब पानी पे बनाया जाता है, पानी में बनाया जाता है, वो सारे एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, क्योंकि पानी में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जैसे कि आप ये फोटो में देखो तो पानी में कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट है, वो जरूर बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये पानी में है, लैंड में कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करना वो इजी है ना, कंपेयर कर लीजिए कोई भी फ्लाईओवर या कोई भी ब्रिज लैंड पे बन रहा है तो लेबरर्स इजिली मिल जाते हैं, काम करना बहुत ईजी हो जाता है, बट वही सेम ब्रिज फ्लाईओवर अगर उसका यू नो बेस अगर पानी में हम लोग करते हैं तो फिर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा समय और मैन पावर की जरूरत पड़ती है, खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता है वहां पे सेटअप करने में। तो ये दो डिफरेंस है दोस्तों ऑनशोर विंड फार्म्स एंड ऑफशोर विंड फार्म्स में, दोनों ही केस में दो चीज जरूरी है कि ये जो सेटअप किया जाता है उसमें द प्लेस या रीजन शुड रिसीव स्ट्रांग विंड्स, स्ट्रांग विंड होगा तभी ये मूव करेगा, इसके जो पंखे है ना जैसे हम लोग बचपन में दोस्तों ये घुमाते हैं ना, बचपन में याद है आपको ऐसा ऐसा जो चीज हम लोग घुमाते थे दौड़ते और उसको लेके हम लोग दौड़ते थे, क्या बोलते हैं उसको आप, ऐसा करके फैन जैसा रहता था ना, हम लोग मेले वेले में लेते थे, इसमें तीन चार ब्लेड्स होते थे, पांच ब्लेड होता था और आप इसको लेके जब दौड़ते थे तो फिर वो घूमता था चक्री, तो वो भी इसी सेटअप इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड था कि विंड या हवा की डायरेक्शन जब अच्छी आती थी तो आप इसको ऐसे करके रखोगे और वो रोटेट करता था है ना, तो दैट इज इम्पोर्टेंट इन दिस केस। अब देखिए कि विंड टर्बाइन जो है वो कन्वर्ट कर देता है द काइनेटिक एनर्जी द विंड इन टू द मैकेनिकल एनर्जी, तो जो हवा में एक एनर्जी है ना दोस्तों, तो विंड जब चल रही है या हवा जब मूव कर रहा है ना, तो आप उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, तभी तो कभी तूफान तूफान आता है तो सारे रूट्स ट्रीज सब यू नो अपरूटेड हो जाते हैं, सब उड़ जाते हैं एक जगह से मतलब वहां से हट जाते हैं, बिकॉज विंड हैज एनर्जी, एनर्जी नहीं रहता तो ये सारे चीज पॉसिबल नहीं रहते, पेड़ पौधे नहीं उड़ जाते, यू नो बिल्डिंग्स नहीं, छोटे बहुत जो कच्चे घर होते हैं वो नहीं टूट जाते, बिकॉज वी नो कि ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं
विंड बोल सकते हैं, इन सब में क्या है, बहुत ज्यादा एनर्जी है, और वो एनर्जी को हम लोग यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इसमें क्या है कि काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट से हो रहा है इंटो मैकेनिकल एनर्जी, तो वो विंड एनर्जी को क्या हम लोग करें, जैसे ही पंखा मूव करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट करेगा, उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये देखो यहीं पे ये पूरा सेट है, ये ब्लेड्स है, ये रोटर है, लो स्पीड शाफ्ट है, गियर बॉक्स, ये सब जो एनीमोमीटर है, विंड वेन है, राइट। तो ये पूरा सेटअप जो है इसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, मैकेनिकल एनर्जी में, जिसको हम लोग फिर से इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। दिस मैकेनिकल पावर कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक टास्क सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन्स और पंपिंग, ग्राइंडिंग ग्रेन्स और पंपिंग वाटर, ये सारे दोस्तों काम जो है वो किया जाता है, सच एज ग्राइंडिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर, और अ जनरेटर कैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल पावर इंटू इलेक्ट्रिसिटी। तो जनरेटर दोस्तों आप देखो ये मशीन में ही यहाँ पे सेटअप किया गया है जनरेटर, ये देखिए, तो ये जनरेटर कैन कन्वर्ट दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये जो मैकेनिकल पावर हुआ ब्लेड्स के मूवमेंट से, उसको कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो ब्लेड के मूवमेंट से जो एनर्जी कन्वर्ट होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जनरेटर यहाँ पे इंस्टॉल है दोस्तों। मोस्ट टर्बाइन्स हैव थ्री एरोडायनामिकली डिजाइंड ब्लेड्स, तीन मतलब जो हवा के मूवमेंट पे दोस्तों मूव करे, एरोप्लेन्स में भी ये ऐसे ही एरोडायनामिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, जिसे वो भी हवा के स्पीड से, हवा में के जैसे व्हेन इट मूव्स वो ब्लेड्स जो है वो मूव करे, है ना। तो उसका टिल्ट जो है बहुत जरूरी है, तो अकॉर्डिंगली वो बनाया जाता है। एनर्जी इन द विंड टर्न्स टू और थ्री प्रोपेलर लाइक ब्लेड्स अराउंड अ रोटर दैट इज कनेक्टेड टू द मेन शाफ्ट व्हिच स्पिन्स द जनरेटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों इतना डिटेल्स में आपको मतलब क्या सिस्टम है अंदर में वो जाने की फिलहाल जरूरी नहीं है, तो इंजीनियरिंग का काम है, बट हम लोग जो जानना चाहते हैं ना कि ये जनरेट होती है, तो बेसिक यही बात है कि एरोडायनेमिक से यूज होता है, और जो ब्लेड्स है वो एरोडायनेमिक सेटअप पे बनाया गया है, जाकि वो मूव करे, जैसे हवा है तो वो मूव करे, अदरवाइज जैसे आप फ्लैट तीन ब्लेड डाल दोगे तो और सोचोगे कि हवा आएगी और ये मूव करेगा, वैसा नहीं होगा। आप तीन तो ऐसे फ्लैट ब्लेड्स बना के लोहे की पत्ती डाल दोगी, इट विल नॉट मूव। हम लोग जो खिलौना देखते थे ना, जो ऐसे करके हम लोग रखते थे समुन्द्र के किनारे, वो मिलते थे 10 रुपया में, तो वो मूव करता था, हवा जब विंड चलती थी या हवा चलती थी तो वो मूव करता था, बिकॉज वो ऐसे बनाए गए थे कि वो मूव करेंगे, है ना। तो उसकी अगर एक दो पत्ती टूट जाए या अगर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वो नहीं मूव करता था। सेम यहाँ पे भी है दोस्तों, ये सारे ब्लेड्स जो है वो टेक्निकली ऐसे बनाए गए हैं कि जब हवा आए तो दे विल मूव एंड दे विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड टर्बाइन्स आर माउंटेड ऑन अ लोअर टावर टू कैप्चर द मोस्ट एनर्जी एट 100 फीट और मोर अबव द ग्राउंड, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ फास्टर एंड लेस टर्बुलेंट विंड। विंड दोस्तों एक हाइट, एक स्पेसिफिक हाइट पे इनको, इन पत्तों को इन मतलब डाला जाता है, बिकॉज है ना ऊंचाई पे ज्यादा हवा आती है, अनडिस्टर्ब हवा, अनब्लॉक्ड हवा, तो वैसे ही सेटअप करके इसको एक हाइट पे इंस्टॉल किया जाता है, एंड दैट फैसिलिटेट्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फैसिलिटेट करता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो थ्री मेन वेरिएबल्स क्या है, डिटरमाइन हाउ इलेक्ट्रिसिटी इन अ टर्बाइन कैन प्रोड्यूस, विंड स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ब्लेड रेडियस जो है वो सही होना चाहिए, द लार्जर द ब्लेड रेडियस द मोर द एनर्जी इज प्रोड्यूस, मतलब रेडियस मतलब ब्लेड, है तो तीन, ठीक है अगर हम लोग चार ले लेते हैं, तो ये जो रेडियस है सेंटर से जो ये रेडियस है दोस्तों, ये जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा स्पीड से ये मूव करे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो वो प्रोड्यूस करेगी ये सेंटर से, तो ये हम लोग रेडियस बोलेंगे, है ना। यहां से यहां तो डायनामीटर डायमीटर हो गया, तो जितना बड़ा रहेगा दोस्तों पत्ते उतनी उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी। विंड स्पीड के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्ट्रॉन्गर विंड प्रोड्यूस मोर एनर्जी, जितना स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा उतना एनर्जी दोस्तों प्रोड्यूस होगा।
विंड टरबाइन जनरेट्स एनर्जी एट स्पीड ऑफ 4 to 25 meters per second, जो है विंड एनर्जी दोस्तों 425 meter per second पे ये जनरेट करता है ना। तो ब्लेड रेडियस जो है वो वैरी करेंगे, एयर डेंसिटी दैट विल आल्सो मैटर कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट हो रहा है। हेवियर हेवियर एयर एक्सर्ट्स मोर लिफ्ट ऑन द रोटर एंड एयर डेंसिटी इन इज अ फंक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर प्रेशर, ये सारे दोस्तों देखा गया है। इन ऑर्डर टू जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशंस हैव लो एयर प्रेशर एंड लाइटर एयर, सो दे आर लेस प्रोडक्टिव टर्बाइन लोकेशंस, द डेंस एयर लेवल नेक्स्ट ड्राइव्स रोटर्स फास्टर। और ये दोस्तों ये मैकेनिज्म के माध्यम से जो हम लोगों ने यहाँ पे ये सेटअप देखा है, ब्लेड्स है, रोटर है ना, रोटर जो इसको मूव कराता है, पूरे चीज को मूव कराता है, ब्रेक है। हाँ, तो ये सारे जो है डायरेक्शन देखो, विंड की डायरेक्शन ऐसे आ रही है, इधर भी आ रही है, और ये इसको मूव कराता है एंड देन इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हवा पास होता है ये पूरा सिस्टम काम करने लगता है एंड इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड। ठीक है, ये देखिए, टू टाइप्स ऑफ विंड टर्बाइन्स, देखो ये दो टाइप के विंड टर्बाइन्स आप देख पाओगे, और यूजुअली इंडिया में हम लोग ऐसा वाला ही देखते हैं ना विंड टर्बाइन्स, ऐसा वाला कम दिखता है। तो ऐसा वाला कैसे दिखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस डिजाइन हैज 2 to 3 blades दैट स्पिन विंड अप द टावर। तो ये जो दोस्तों इसको स्पिन करता है, घुमाता है ना, हवा चलती है तो घूमता है। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस मशीन हैज इट्स ब्लेड रोटेटिंग ऑन एक्सिस पैनल टू द राउंड। तो ये दोस्तों ये एक ऐसे ब्लेड है जो मूव करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा क्या है, वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। वर्टिकल में दोस्तों ये देखो, ये वाला जो है ये गोल गोल घूमेगा है ना, इसमें क्या है ये स्पिन करके ऐसे करके राउंड राउंड घूमेगा, ऐसे नहीं दोस्तों, ऐसे घूमेगा, वर्टिकली घूमेगा। सो दिस हैज, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सारी जगह पे हवा का प्रेशर आ रहा है तब ये मूव कर रहा है, और यहाँ पे क्या है ऐसे वर्टिकल ऊपर से नीचे है, राइट। तो यहाँ पे देखो आप हॉरिजॉन्टल है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पे ये सारे प्रेशर जो एयर प्रेशर से ये मूव करेगा दैट इज वर्टिकल लाइन, राइट, वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन में दोस्तों क्या करेगा, द वर्टिकल ब्लेड्स दैट रोटेट इन एंड आउट ऑन द विंड, द वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन हैज इट्स ब्लेड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। ये देखिए परपेंडिकुलर इज अ स्ट्रेट लाइन ना, जो 90 डिग्री बनाता है, तो ये परपेंडिकुलर हम लोग इसको बोलते हैं, 90 डिग्री बन गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे इस मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये भी दोस्तों रोटेट करेगा ऐसे ऐसे करके। सो द वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन हैज इट्स ब्लेड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इस माध्यम से, गुड मॉर्निंग अमित, दिस ड्रैग टाइप, अरे रिन्यूएबल एनर्जी, बस आज या कल, मैक्सिमम कल में मैं खत्म कर दूंगी, फिर हम लोग यू नो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी उस पर चले जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दोज आर मोर इम्पोर्टेंट। तो आई विल ट्राई कि वो जो है इस वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे में मैराथन क्लासेस में मैं उसको कम्प्लीट कर दूँ, ठीक है। तो दिस ड्रैग टाइप टर्बाइन टर्न्स रिलेटिवली स्लोली, तो ये जो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है और ये जो राउंड वाला है ये ऐसे करके मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये पत्तियां घूमती है और यहाँ पे ये ऐसे बनाया रहता है। इंडिया में ज्यादा हम लोग ऐसा वाला ही देखते हैं, यहाँ ये वाला सेटअप जो है वो ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे ये आपको बाहर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो कहाँ कहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, वहीं पे सेटअप करेंगे ना जहाँ पे विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, मतलब जनरेट होने की संभावना है, जहाँ पे जनरेट हो ही नहीं सकता है वहां पे सेटअप करके कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो या कोई भी यू नो इंडस्ट्री या कंपनी कहीं पे इन्वेस्ट करता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, यहाँ पे विंड की स्पीड कैसी है थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे विंड हवा मिलेगी कि नहीं, उसकी स्पीड अच्छी खासी रहेगी कि नहीं, तो ये सारे रिसर्च दोस्तों किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है,
The National Institute of Wind Energy, NIWE, has recently launched Wind Energy Resource Map of India. Wind Energy Resource Map of India उन्होंने बनाया 100 मीटर अबव ग्राउंड लेवल ऑन ऑन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे उन्होंने ये विंड एनर्जी इंस्टीट्यूट का सेटअप किया, जहाँ पे कहाँ पे मैपिंग भी बनाई है कि कहाँ कहाँ पे विंड एनर्जी, पोटेंशियल विंड एनर्जी दोस्तों सेटअप कर दिया जा सकता है. ठीक है, तो देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा, और ये दम जो भी अरेबियन सी है, ये जो जोन है यहाँ पे बहुत अच्छा खासा विंड मिलने, रिसीव होने की संभावना है. अभी आप न्यूज में सुनते होंगे ना, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत 7,200 हेक्टेयर लैंड दोस्तों अलॉट किया गया है फॉर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क. गवर्नमेंट ने इसकी इनॉग्रेशन दिसंबर में कर दी थी, जिसके तहत यू नो हाई विंड पावर एंड विंड एनर्जी एंड सोलर सोलर एनर्जी दोनों ही प्रोड्यूस किया जाएगा ये पार्क में. यहाँ पे ये जो जोन है यहाँ पे ये सेटअप किया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे विंड बहुत ही अच्छी खासी यू नो चलती है. तो ये क्योंकि इंडिया में पार्ट है, तो ये सारे जगह पे दोस्तों वैसे खेती बहुत अच्छी नहीं होती है ये सारे रीजन्स में. इट्स अ बैरन लैंड, मतलब कोई भी खेती नहीं है, कोई भी उपजाऊ नहीं है. तो इस लैंड को गवर्नमेंट ने बहुत ही टैक्टफुली यूज किया है इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, तो कोई भी जगह अगर कोई भी जगह अगर आप देखो कि यहाँ पे अच्छी एनर्जी मतलब क्रॉप्स ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट ने अच्छी बुद्धि लगाई है और वहां पे एनर्जी पार्क सेटअप कर दिया है. धूप तो अच्छी आती है, बहुत कड़ी धूप आती है दोस्तों, इसलिए वहां पे कोई क्रॉप जो है नहीं ग्रो कर पाता है. यहाँ पे बारिश भी नहीं होती है, दैट्स गुड फॉर पैनल्स, सोलर पैनल्स. तो जो सारे साइड मतलब जो सारे प्रॉब्लमेटिक पॉइंट्स है इन फॉर एग्रीकल्चर, वो सारे यहाँ पे इसका फेवरेबल पॉइंट्स बन जाता है. धूप बहुत ज्यादा एक्सेस धूप है, तो अच्छा है सोलर पैनल्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे बहुत लार्ज एरिया इज बीइंग यूज्ड फॉर सोलर पैनल सेटअप. साथ ही साथ वहां पे क्या है दोस्तों, बहुत ज्यादा हवा चलती है. तो आप गन्ने के खेत आपने वहां पे सेटअप कर दिया, या एक ना कोई भी खेती फसल कर दी, और भर दिन वहां पे विंड पास ऑन हो रहा है, तो वो सारे पेड़ जो है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे सही से. तो इसको हम लोग ने यूज किया है विंड एनर्जी पार्क को सेटअप करने में, राइट. तो ये हो गया, ये सारे हो गए आपको ये रीजन्स में, आपको मैप में दिख रहा है कि ये सारे रीजन्स पे पोटेंशियल विंड एनर्जी पार्क जो है वो सेटअप किया जा सकता है. ओके, सो इट्स नॉट कि हर जगह आप सेटअप कर दोगे. ये ईस्टर्न इंडिया की तरफ दोस्तों ऐसा ये सेटअप नहीं देखने को मिलता है, इट्स मोस्टली ऑन द वेस्टर्न सेटअप. तो गुजरात हैज ए मैक्सिमम पोटेंशियल फॉलोड बाय कर्नाटका. कौन से स्टेट्स है दोस्तों, गुजरात नंबर वन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद है कर्नाटका. ये देखो, ठीक है देख लो है ना, ऑल दीज एरियाज हैव बीन ग्रीन, जो पोर्शन है ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हो, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क वहां पे सेटअप किया गया है. कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश. गुड मॉर्निंग शालीन, कोई बात नहीं. ये देख लीजिए कि विंड एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है दोस्तों, ये सारे जोन्स है जहाँ पे विंड बहुत अच्छी चलती है, और आप देख सकते हो कि ये सारे रीजन्स जो लोकेटेड है यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चलती है, इसलिए ये सारे विंड पार्क जो है ये जो विंड मिल है ये सेटअप किया जाएगा. ठीक है, विंड टर्बाइन बोल सकते हो या विंड मिल बोल सकते हो, है ना, कोई भी चीज को हम लोग मिल बोलते हैं, बिकॉज वहां पे वो प्रोडक्शन होते थे. यहाँ पे क्या होता है, विंड या हवा की स्पीड को, काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है. तो इस प्रोसेस के माध्यम से ये सारे सेटअप कर दिया, और इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है ना. कोई भी विंड मिल अगर आपके आसपास के रीजन्स में आप देखोगे, बॉलीवुड में बहुत ज्यादा शूटिंग की जाती है सारे प्लेस में, बिकॉज इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, इट लुक्स वेरी पीसफुल, क्लीन क्लीन सेटअप, प्लस कोई धुआं नहीं है, वो हवा चलती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जो हम लोग यूज करते हैं, राइट. तो ये सारे रीजन्स पे ये सब सेटअप किया गया है.
मजे की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पा किए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा विंड चलती है। कोई भी गेहूं चावल गन्ने की खेत में अगर भर दिन विंड चलेगा या हवा चलेगी तो फिर उसको ग्रोथ में डिस्टर्बेंस आएगी। तो और बहुत कड़ी धूप रहती है, इसलिए यहाँ पे विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का सेटअप किया जा सकता है। ओके, और बारिश भी दोस्तों ये सारे रीजन में देखो, ये गुजरात और राजस्थान का जो ये रीजन है यहाँ पे सबसे ज्यादा विंड एनर्जी सेटअप किया गया। तो यहाँ पे क्या है, बारिश भी बहुत कम मिलती है ये सारे रीजन्स पे। स्कैंटी रेनफॉल आपको देखने को मिल जाए, मतलब हल्का फुल्का बारिश होता है, तो इसलिए ये फेवर करता है विंड मिल्स को। तो गुजरात है नंबर वन पे विंड एनर्जी के सेटअप में, नंबर टू पे है कर्नाटका, नंबर थ्री पे है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ये सारे दोस्तों विंड मिल्स सेटअप अगर किया जाएगा तो दे पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। टारगेट है दोस्तों कि ये 2022, तो दोस्तों 60,000 मेगावाट जो है आप देख सकते हो कि 2022 का टारगेट है ये ईयर। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, इट कैनॉट बी द सेम, तो ये जरूर 2025 तक होगा, 25 तक के आसपास का। 2 लाख मेगावाट का दोस्तों टारगेट जो है वो अनदर 2025 तक का टारगेट देखा गया है। कि ये गवर्नमेंट ये टारगेट्स लेती है ना पेरिस एग्रीमेंट में, उन्होंने कमिटमेंट करके आए हैं जो वो स्विच ओवर भी करेंगे क्लाइमेट, मतलब वहां पे कमिटमेंट देना पड़ता है कि क्या आप स्टेप्स लोगे इन ऑर्डर टू कंट्रोल पॉल्यूशन, इन ऑर्डर टू यू नो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स यू नो क्लाइमेटिक क्लाइमेट में जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट एक टारगेट ली है जिसके तहत ये सेटअप यहाँ पे दिसंबर 2022 में देखियो विंड मिल का इनॉग्रेशन हुआ है। आपको मैं न्यूज का वो पेपर दिखा, न्यूज का वो कटआउट दिखा दूं कि हाइब्रिड में मैंने इस पे क्लास भी लिया है, हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क इंडिया पाक बॉर्डर पे, पढ़ा है कि नहीं आपने इसके बारे में। ये देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है वो कच्छ में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे खोला बनाया गया था। और ये दिसंबर एंड 15 के आसपास, 15-20 के आसपास की अनाउंसमेंट की गई थी और इनॉग्रेट भी 20 दिसंबर को किया गया था। तो आइए इसके बारे में अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लें क्या, ये देखिए आइए एक ग्लांस लेते, रिविजन भी हो जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी ऑन वन डे विजिट, ये 15 दिसंबर का न्यूज है। और ये वन डे विजिट जाएंगे कच्छ के लिए, विच विल बी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेवरल प्रोजेक्ट्स, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, देखो 30,000 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क सेटअप किया जाएगा इंडिया पाक बॉर्डर में। जैसे मैंने आपको दिखाया कि गुजरात और पाकिस्तान का जो यू नो बाउंड्री है वहां पे बहुत अच्छी विंड चलती है। द विंड इज वेरी मच, द लोकेशन इज वेरी मच पोटेंशियल फॉर गुड पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। तो 30,000 मेगावाट हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विथ बोथ विंड मिल्स एंड सोलर पैनल्स बीइंग सेट अप टू जनरेट पावर। इसमें ये दोस्तों आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बहुत बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे इंक्लिनेशन दिखाते हुए कि हम लोग स्विच ओवर कर रहे हैं ना जो नॉन रिन्यूएबल है उससे, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस पे मतलब डिपेंडेंसी ज्यादा दिखा रहे हैं। तो ये सारे दोस्तों देखा जाएगा। तो दोस्तों ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, रहेगा कच्छ में। और आप इसको देखो,
दोस्तों ये देखिए हाइब्रिड रिन्यूएबल पार्क जो है ये यहाँ पे लोकेटेड है ये इंडिया पाक के बॉर्डर पे है। हाइब्रिड सोलर खाफडा रीजन में हाइब्रिड सोलर पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सो इट्स यहाँ पे समुंदर है तो यहाँ से अच्छी हवा चलती है जिसकी वजह से दिस हैज बीन पॉसिबल, और ये इंडिया और पाक के बॉर्डर के बीच में है। ठीक है, इसके डिटेल्स में अगर आप जाओ तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ लीजिए कि कितना कवर्ड है विंड एनर्जी में और कितना कवर्ड है सोलर एनर्जी में। ये देखिए दिस वाज इन न्यूज, इंडिया स्प्रॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी पार्क कमिंग अप ऑन इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान। 30,000 मेगावाट दोस्तों एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाएगा और इंडिया पाक कच्छ डिस्ट्रिक्ट में द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड। अब इसमें देखो कमिटेड टू इंस्टॉल 174 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2022 2022 तक। दोस्तों इतना कैपेसिटी और ऑलमोस्ट यू नो यहाँ से प्रोड्यूस किया जाएगा। द गुजरात गवर्नमेंट आइडेंटिफाई 1 लाख हेक्टेयर ऑफ वेस्ट लैंड। दोस्तों ये जो जमीन था यह खावडा रीजन में वेस्ट लैंड था, वेस्ट मतलब मैं वेट लैंड नहीं बोली, वेस्ट लैंड मतलब ये जमीन बंजर जमीन थी, किसी भी और काम में ये यूज नहीं किया जा रहा था, जस्ट खाली पड़ा हुआ था, है ना। एक तो इंडिया पाक का बॉर्डर है तो कोई वहां पे बिजनेस भी नहीं करना चाहता, कोई वहां पे जाना भी नहीं चाहता कि भाई टेंशन होगा गोली मार देंगे, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पे कोई भी समहाउ क्राउड जो है आ ही नहीं पाया तो ये जमीन जो है खाली ही था। तो 1 लाख हेक्टेयर दोस्तों गवर्नमेंट ने इसको यू नो सैंक्शन किया गया था, जिसमें से 72,600 हेक्टेयर को उन्होंने यू नो एलोकेट किया है कि चलो इतना आप सेटअप, इतना एरिया को आप सेटअप कर लो। अप्रूवल मतलब जो सेटअप एक्चुअली किया गया अप्रूवल 1 लाख का दिया गया था, 72,600 हेक्टेयर में वो ये चीज पूरा सेटअप किया जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी अप्रूवल जरूर था बिकॉज ये इंडिया पाक के बॉर्डर पे है, राइट। तो ये सारे परमिशंस ले लिए गए, अब ये सेटअप किया गया है। बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी इसमें यू नो इन्वॉल्व है जो इस पूरे सेटअप में मदद करेंगे। द प्रोजेक्ट विल बी लोकेटेड बिटवीन खावदा विलेज एंड वीघा कोट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है इसलिए आप प्लीज ध्यान से सुनिए। द प्रोजेक्ट साइट इज अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम खादवा विच इज द लास्ट पॉइंट दैट कैन बी एक्सेस बाय सिविलियंस। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग हमारे से हम मतलब हम लोग जहां तक एक्सेस करते हैं तो वहां हम लोग जहां तक एक्सेस कर पाएंगे उसे 25 किलोमीटर, और आगे में ये विंड मिल जो है वो सेटअप किया जाएगा। एक्सक्लूसिव विंड पार्क जोन विल कम अप विद इन 1 to 6 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया पाक का इंटरनेशनल बॉर्डर पे के 1 से 6 किलोमीटर रेंज में ये विंड मिल जो है, अलग अलग बॉर्डर पे अलग अलग यू नो किलोमीटर का डिफरेंस रहेगा। मैप तो हमारी ऐसे है ना ट्विस्ट एंड टर्न है मैप, तो 1 से 6 किलोमीटर का वो डिफरेंस रहेगा। द हाइब्रिड पार्क विल बी लोकेटेड 6 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी का भी कंसर्न है इसीलिए वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के भी जवान वहां पे रहेंगे कि कोई भी जहाँ पे यहाँ पे काम चल रहा है तो ये नहीं कि यू नो कुछ हमला हो गया, पाकिस्तान से दुश्मन कंट्री है ना, तो वो सारी चीज का भी ध्यान रखा गया है। दिस साइट हैज बीन चोजन बिकॉज दिस इज कम्प्लीट वेस्ट लैंड, पूरा यूजलेस लैंड है इसीलिए इस साइट को चूज किया है गवर्नमेंट ने। तो ये बहुत ही अच्छी तरकीब है, बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है कि हम लोग क्रॉप वाले जमीन में क्रॉप ग्रो करें और वेस्ट लैंड में ये विंड मिल सेटअप करें। सेकेंडली इफ यू पुट विंड मिल्स नियर द बॉर्डर दे विल ऑल्सो एक्ट एज अ बाउंड्री, है ना, एक बफर की जैसा, एक यू नो कैसा है जैसे हम लोग रोड पे यू नो बैरिकेड्स डालते हैं ना कि आप इस जोन में नहीं जाना, तो वैसे ही एक बैरिकेड या एक बफर जोन के तौर पे ये काम भी करेगा, बीच में एक हर्डल के जैसा आएगा ना ये विंड मिल्स। तो दैट इज ऑल्सो देयर, वहां पे BSF के जवान भी है, वहां पे एक्टिविटी भी चल रही है, तो ये कोई चुपचाप घुसने की कोशिश भी करेगा तो ये जगह पे बहुत ही यू नो मतलब ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक बफर जोन भी क्रिएट हो गया है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गेव क्लियरेंस फॉर 72,600 हेक्टर्स इन अप्रैल दिस ईयर 2020 में उन्होंने अप्रूवल, अप्रैल 2020 में उन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया गया था 1 लाख हेक्टर, बस उसमें से 72,600 उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि
इतना लैंड आप यूज कर लेना इस चीज के सेटअप के लिए, बाकी को उन्होंने मतलब रिजर्व कर लिया कि ये सारी जगह सही नहीं रहेंगे, तो इसलिए ठीक है। तो ये हो गया, अब सेटअप कौन करेगा? देखो ये जाना, हम लोगों ने पढ़ा ना कि विंडमिल एनर्जी सेटअप हो रहा है, बट एक्चुअली न्यूज में आप उसको कोरिलेट कर रहे हैं। तो दिस साइट हैज बीन चोजन बिकॉज ये तो कंप्लीट वेस्ट लैंड है। हु विल सेट अप द विंड एंड प्रोजेक्ट्स इन दिस पार्क? कौन सेटअप करेगा दोस्तों? द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर इनवाइटिंग एप्लीकेशंस हैज अलॉटेड लैंड टू 6 डेवलपर्स। ये इतना बड़ा सेटअप है, 72,600 हेक्टेयर है दोस्तों, मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे, आपको ट्रैवल भी नहीं कर पाओगे, इतना ह्यूज एरिया जो है इसमें अलॉट किया गया है। तो उसमें 6 डेवलपर्स है। फॉर द हाइब्रिड पार्क जोन, हाइब्रिड में क्या होगा? ऊपर में विंड चलेगा, नीचे में सोलर पार्क, दोनों एक साथ बैठेंगे, ठीक है? एक ही जोन में दोनों आपको देखने को मिलेगा। ऊपर में विंड टर्बाइन्स है, विंड फैंस जो हम लोग देखे हैं त्रिकोण वाला, वो रहेंगे। और नीचे में जो खाली जमीन है, क्योंकि जगह छोड़ छोड़ के सेटअप किया जाता है ना, तो धूप तो मिल ही रही है, जिसको हवा लेना है वो जोन का हवा लेगा, और नीचे में पैनल चुपचाप से बैठेगा, भैया हम तो चुपचाप धूप ले रहे हैं, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तुम अपना हवा लो, तुम अपनी विंड से जो एनर्जी लेना है लो, हम तो अपना सोलर एनर्जी ले रहे हैं, उससे तुमको क्या। तो दोनों को शांति से एक जगह पे बिठा दिया गया है, बेस में मतलब लैंड के बेस में सोलर प्लांट्स, और उसका तो नीचे में रूट पेड़ जैसा है ना, तो वो वहां पे वो विंड टर्बाइन्स भी सेटअप किया गया है एक ही साथ। तो इसीलिए इसको हाइब्रिड बोला जाता है, बिकॉज दोनों मौजूद है एक ही जगह पे, तो हाइब्रिड हो गया। तो देखिए अदानी ग्रीन एनर्जी लेगा 19,000, ठीक है, 19,000 हेक्टेयर का लेगा। सृजन 9,500, एनटीपीसी 9,500, गुजरात इंडस्ट्रीज जो है वो गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, ये सारे 6 दोस्तों है जिनको ये लैंड डेवलप किया गया है कि तुम ये सारे एरियाज ले लो, और तुम इसमें अलग अलग मतलब एक ही गाइडलाइंस रहेगा सबके लिए, वो अलग अलग डेवलपमेंट करेंगे, नहीं तो बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अगर 6 बॉडीज इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर पूरा प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो हो जाएगा और बहुत टाइम लगेगा। जो गवर्नमेंट का टारगेट है 22 तक इतना जनरेट करना, 25 तक इतना जनरेट करना, तो वो बहुत डिले हो जाए, इसलिए 6 6 आप देखो एप्लीकेशन इन सब डेवलपर्स को दिया गया है। अदानी ग्रीन लिमिटेड, सर्जन रियलिटीज, एनटीपीसी, राइट, गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। तो ये सारे आप प्लीज याद रखिएगा कि ये सारे एंटिटीज को दिए गए हैं। अदानी ग्रीन विल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 9,500 मेगावाट। और ये देखो अब ये इलेक्ट्रिसिटी वाइज भी इसको डिवाइड कर दिया गया है कि लैंड वाइज भी उनको एलोकेट कर दिया है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी वाइज भी उनको डिवाइड कर दिया गया है कि ये इतना एनर्जी आपको प्रोड्यूस करना है। ऐसा नहीं कि उनको 10,000 हेक्टेयर दे दिया और वो एक ठो विंड मिल लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बोलेंगे भैया मेरे तो एग्रीमेंट में 10,000 अलॉटेड है, ये मेरा है, ये मैंने 5 ठो विंड मिल बिठाया है, तो क्या हो जाएगा, मजाक बन जाएगा। वो गवर्नमेंट का वो टारगेट नहीं है कि भाई कोई उनको उल्लू बना दे, उनको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी टारगेट दे दिया कि लो अब तुम 100 बिठाओ चाहे 1,000 बिठाओ, मुझे इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको देना होगा। वैसा ही डील उन्होंने साइन किया है, ठीक है? तो इसीलिए लैंड तो एलोकेट कर दिया, उसमें वो दो ना बिठा दे, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिसिटी का भी टारगेट दे दिया गया है ना। तो यही बात हो जाए, आपको एक मैं मशीन दे दूं और आप उसके जो फुलेस्ट कैपेसिटी में आप उसको जनरेट ना करो, यूज ना करो, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए अदानी ग्रीन विल इंस्टॉल है कैपेसिटी ऑफ 9,500 मेगावाट। सर्जन रियलिटीज 4,750 मेगावाट। GIPCL गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड, उसको 2,375 मेगावाट। GSECL गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, तो वहां पे क्योंकि गुजरात में ये है तो इसलिए ये सारे गुजराती एंटिटीज का ज्यादा रोल है, उनको कितना दिया गया है 3,325, और NTPC 4,750। तो ये दोस्तों ये एलोकेट किया कि भैया चुपचाप जमीन लेके दो ठो मत बिठा देना, जितना बिठाना है बैठाओ, जितना इन्वेस्टमेंट करना है करो, मुझे इतना इलेक्ट्रिसिटी मेरा टारगेट है, आपको इतना जनरेट करके देना है। अकॉर्डिंगली वो अपना नेसेसरी सेटअप करेंगे। और देखो क्या है कि एंटायर 23,000 हेक्टर्स एंड एक्सक्लूसिव विंड जोन हैज बीन अलॉटेड टू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन टू सेट अप विंड प्रोजेक्ट्स अंडर द कॉम्पिटिटिव बिडिंग फॉर
पॉलिसी तो दोस्तों ये बिडिंग है, नेक्स्ट 3 इयर्स में सिलेक्टेड डेवलपर्स हैव टू डेवलप 50% ऑफ द टोटल। इनको टाइम टारगेट भी दे दिया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि पहले जमीन दे दिया चलो ठीक है, इतना इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोड्यूस करना है, कितना टाइम में कंप्लीट भी करना है वो भी उनको टाइम एलोकेट कर दिया गया है। नहीं तो फिर क्या होगा, बोलेंगे भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट को झुलाएंगे कर रहे हैं कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं सेटअप कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये हो रहा है। लॉट मेनी एक्सक्यूजेस, लॉट मेनी रीजंस हो सकते हैं सेटअप को डिले होने में, तो इसीलिए उनको टाइम बाउंड भी कर दिया है कि द सिलेक्टेड डेवलपर्स हैव टू डेवलप 50%। जो आपको एनर्जी सपोज 1000 मेगावाट दे दिया गया है, तो 500 मेगावाट आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में दे देना है एंड फिनिश द प्रोजेक्ट इन 5 इयर्स, 5 साल के अंदर, 3 साल और फिर रिमेनिंग 2 साल में उसको बाइफरकेट कर दिया गया कि 50% आप 3 साल में दे देना जिसमें आपको सेटअप करने में आपको जो टाइम लग जाए, और 50% आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर देना, बाकी का जो बचेगा बैलेंस 50% वो आप 2 साल में कंप्लीट करके, ये प्रोजेक्ट का जो हमारा टारगेट है इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने का वो आप अचीव कर लेना, फिर रिन्यू होगा। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इसका टारगेट है कि उन्होंने टाइम बाउंड भी कर दिया है। आपको अगर देखने में दिक्कत हो रही कोई बात नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल्स आप जाके पढ़ सकते हो, अब ये ऐसा ही है। हम लोग तो डायरेक्टली न्यूज से इसको को रिलेट करें व्हाट वी आर स्टडिंग, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे लिंक करके दिखाया है ना। तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन विल इवैक्यूएट द पावर प्रोड्यूस एज दिस पावर, तो दोस्तों ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा। ये सारे कंपनीज जो 6 कंपनीज हम लोग ने पढ़ा, वो यहाँ पे 6 कंपनीज जो है वो जनरेट करेंगे और बाकी जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है वो इसको क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। एक ने तो बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन का भी जिम्मा किसी को दिया जाएगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ वो यूज होगा। तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को ये दायित्व दिया गया है कि वो इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट। तो BSF वो सारे जो है वो नौजवान इस पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेंशन ना आए, राइट। तो दिस वाज इन न्यूज, इसको हम लोग ने न्यूज में पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज था, 15 दिसंबर का न्यूज था, 20 जनवरी को दोस्तों इनॉग्रेट किया गया है। क्या लार्जेस्ट ऑन दिस वर्ल्ड, याद रखना है सबसे बड़ी एनर्जी पार्क है, ठीक है। चलिए कैपेसिटी इंस्टॉल में देखो क्या है कि तमिलनाडु में 7200 को कितना प्रोड्यूस करना है दोस्तों, 7200 मेगावाट, महाराष्ट्र में 4000, कर्नाटका में 2700 मेगावाट, राजस्थान में 2700 मेगावाट, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला आर माइनर प्लेयर्स विथ इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ लेस देन 1000 मेगावाट। तो दोस्तों ये सारे मेजर प्लेयर्स हैं जहाँ पे ये सेटअप किया जाता है। देखो तमिलनाडु का 25%, अगर हम लोग ये इसको ऐसे पाई फॉर्म में देखें तो तमिलनाडु 25%, गुजरात 20%, केरला सबका, केरला मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश ये सबका लेस देन 1000 है, नेग्लिजिबल उनका कंट्रीब्यूशन है। राजस्थान का भी अच्छा खासा है, 11% है, कर्नाटका का 13% है, महाराष्ट्र का 13%, देखो ये सारे फिगर्स है, आंध्र प्रदेश 11%, मध्य प्रदेश 7% है ना। तो दिस इज हाउ, ये दोस्तों कब तक का कंट्रीब्यूशन है, 37.7 गीगावाट एज मार्च 2020, 2020 का ये आंकड़े हैं और 2021 का आने वाला है, अब तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो मार्च 2021 तक दोस्तों, 21 मार्च तक कितना प्रोड्यूस हुआ है, फिर उसके उसको मेजर किया जाएगा। ओके okay? तो दोस्तों नेशनल विंड एनर्जी मिशन जो है ये इसमें इसके तहत क्या है कि देख मैं आपको ब्रीफली समझा दूं, अंडर दिस पॉलिसी द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी
रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैज बीन ऑथराइज एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर यूज ऑफ ऑफशोर एरियाज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड। ये देखो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऑनशोर एंड ऑफशोर ये दो टाइप्स के हैं। ऑनशोर मतलब लैंड पे, ऑफशोर मतलब पानी में, ऑफ ऑफ शोर, शोर मतलब तट, तट के ऑफ मतलब पानी में चला चला गया। तो आप याद रखना ऑफशोर मतलब पानी, ऑनशोर मतलब लैंड। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये पॉलिसी के तहत क्या क्या गया है, नेशनल ऑफशोर मतलब पानी में जो सेटअप किया जाएगा उससे रिलेटेड क्या न्यूज है दोस्तों, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन है। अंडर दिस पॉलिसी द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज बीन ऑथराइज एज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर यूज ऑफ ऑफशोर एरियाज विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ द कंट्री एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी हैज बीन ऑथराइज एज द नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी। तो दोस्तों ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को ऑथराइज किया गया है, दैट इज द नोडल एजेंसी जो इस पे काम करेंगे और वो समुन्द्र में जो समुन्द्र में वो ये सारे सेटअप करेंगे। हम लोग ने ये पढ़ा था कि ऑफशोर जो है वो उसको सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज वो हम लोग पानी में सेट कर रहे हैं, ये विंड मिल्स को पानी में दोस्तों इंस्टॉल कर रहे हैं। तो एक तो डिफिकल्ट है, साथ ही साथ एक्सपेंसिव भी है, मेंटेनेंस भी उसका डिफिकल्ट है ना। अगर समुन्द्र में बोलेंगे जाओ एक एक उसका ये जनरेटर खराब हो गया है तो आप समुन्द्र में जहाज में जाना पड़ेगा, उसको उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, अगर गलती से गिर गया तो फिर सीधा पानी में डूब जाएगा। तो दोस्तों वहां का मेंटेनेंस भी, इसलिए कोई जाना नहीं चाहेगा ना, अगर लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई है, लैंड वाले ये देखो लैंड वाले जगह पे अगर कोई दिक्कत आई है तो कोई भी चला जाएगा। यहाँ पे इस मशीन में कोई दिक्कत आया है तो कोई भी यहाँ पे चला जाएगा, सीढ़ी लेके चढ़ के यहाँ पे ठीक कर देगा। लेकिन ये वाले मशीन में अगर कोई दिक्कत आई है तो लोगों को ऐसे ही डर लगे कि भैया गलती से भी अगर गिरे तो फिर जीने का कोई चांस नहीं है, है ना। भगवान भरोसे ही तो जाएगा, अब जब तक ये गिर जाएगा तब तक जरूरी नहीं कि जो उसको जो वॉलेंटियर्स है उसको बचा ही ले, बहुत समय डेड बॉडी भी निकालते हैं वॉलेंटियर्स। तो वैसा सिनेरियो ना हो वैसा डर मन में लगा हुआ है, इसीलिए लोग जो है ज्यादातर इसको मेंटेनेंस भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है और इसका इज मोर एक्सपेंसिव। देखो हमने पढ़ा इट्स मोर एक्सपेंसिव देन दी ऑनशोर विंड्स, और इसका क्या है कि इसको सेटअप करना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो कॉमनली हम लोग समझ ही पा रहे हैं कि पानी में सेटअप करना दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क। सो द नोडल एजेंसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑनशोर विंड एनर्जी इन द कंट्री हैज टू कैरी आउट एलोकेशन ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी ब्लॉक्स, कोऑर्डिनेशन एंड लाइट फंक्शंस। तो ये सारे अलग अलग मिनिस्ट्रीज, कौन सा समुन्दर कौन सा स्टेट के पास में है, अलग अलग एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन सब से बात करके ये सेटअप किया जाता है। जैसे कि हम लोग ने अभी पढ़ा ना कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो जो इंडिया एंड पाक के बॉर्डर पे, तो वहां पे बीएसएफ के जवान भी तैनात रहेंगे कि कोई भी वहां पे मिसहैप या कोई भी कैजुअलिटी ना हो। तो उसी प्रकार समुद्र में भी अगर ये सारे सेटअप किए जा रहे हैं, किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे अगर ना चला जाए तो वो सब के लिए नेसेसरी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है ना। तो वहां पे सपोज वहां पे जहाज बहुत ही फ्रीक्वेंटली वहां से पास ऑन कर रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड रूट है, सी रूट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको अवॉइड करके ये सेटअप किया जाएगा। तो ये सारे चीजों का ध्यान में रखते हुए ये सेटअप किया जाएगा। इसका जिम्मा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी को भी दिया गया है। इट वुड पेव द वे फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग सेटिंग अप ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। तो दोस्तों कोई भी चीज सेटअप किया जाता है उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है बिकॉज उसके जो सारे प्रॉब्लम्स है, जो सारे समस्या है, उसको ओवरकम कैसे करना है, उसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट टीम डालना जरूरी है। और सी वॉर डिस्टेंस नेशनल, और देखो समुद्र से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। नॉटिकल मतलब समुद्र की जो दूरी होती है ना, हम लोग जैसे पानी में किलोमीटर वाइज डिस्टेंस को मापते हैं, तो पानी का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग नॉटिकल माइल्स में मेजर करते हैं। तो इसका क्या है कि इन वाटर्स और एडजेसेंट टू द कंट्री अप टू द सी वॉर डिस्टेंस, तो समुन्दर में ये लैंड है और यहाँ का 200 किलोमीटर तक आप इसको, नॉटिकल माइल तक आप इसको सेटअप करना, ठीक है। ये तो फिर क्या होगा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चले जाएंगे, वो सबका बहुत झिकझिक झमेला होने लगेगा। ये पॉलिसी विल प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड्स टू द इन्वेस्टर्स बेनिफिशियरीज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। ये सारे दोस्तों डोमेस्टिक भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, नेशनल नेशनल टीम भी हो जाएंगे और इंटरनेशनल वाटर्स का भी परमिशन लेना पड़ सकता है।
ये सारे चीज ध्यान में देखा जाएगा, वुड इट वुड हेल्प इन अचीविंग द टारगेट्स ऑफ वेल्थ प्लान एंड एनर्जी जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी एज सेट अंडर एनएपीसीसी। तो दोस्तों इसका जो प्लान है, कितना टारगेट, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एक टारगेट दिया गया कि ये लैंड तुम्हारा है, 6 कंपनीज को दिया गया है और इसमें इतना एनर्जी तुमको प्रोड्यूस करना है और ये इस टाइम लिमिट में आपको प्रोड्यूस करना है। तो ये भी यहाँ के भी यहाँ पे भी वो प्लान के तहत एलोकेट किया जाता है कि इतना आपको प्रोड्यूस करना है। एड्रेसिंग द इश्यूज एंड चैलेंजेस विच द विंड सेक्टर इज फेस सच ए प्रिसाइज रिसोर्स असेसमेंट इंटीग्रेशन मेंटेन द कंपैरेटिव एडवांटेज इन द विंड। तो दोस्तों जो भी है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह सबको ध्यान में देते हुए यहाँ पे ये सेटअप किया जाता है और ज्यादातर फोकस लैंड वाले जोन पे, जैसे कि हम लोग ने ये मैप में देखा है कि लैंड में भी बहुत अच्छा हमारे पास पोटेंशियल जगह है जहाँ पे हम लोग ये सब सेटअप करते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर कहीं पे विंड पानी में भी सेटअप करना पड़े तो वो भी हम लोग करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये सारे रीजन्स पे आप देखो, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन्स में, ये नॉर्थ में, ये रीजन पे भी सेटअप किया जा सकता है। ओके, सो दीज आर दी पोटेंशियल प्लेसेस स्पॉट्स इन इंडिया वेर यू कैन सेटअप दिस, तो सेटअप दिस विंड एनर्जी पार्क। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देखा जाता है कि कहाँ पे कितना विंड स्पीड है, तूफान मतलब हवा जो चल रही है वो कितना स्पीड में है, जहाँ पे बहुत ज्यादा रहेगा वो सारे जोन्स पे अच्छी खासी स्पीड रहेगी। तो ये देखो सबसे मोर देन 7 मीटर पर सेकेंड है, कि अलग अलग आंकड़ों से ऐसे करके इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जहाँ पे ये सारे जो रीजन्स है वहां पे जब जहाँ पे जैसे स्पीड वैसा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ओके, इसमें कोई धुआं नहीं रिलीज होता है, इट्स वेरी क्लीन, इजी मेंटेनेंस, खर्चा भी एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। हमारे जो कोल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज है वो सारे बच जाते हैं, है ना, व्हेन अपना जब हम लोग डिपेंडेंसी इस पे ज्यादा दिखा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ के ये है कि एक लैंड जो है वो ऑक्यूपाइड रहता है इस विंड मिल के तहत, लेकिन कोई बात नहीं, वो सारे लैंड जो है वो हम लोग वैसे भी यूज नहीं करते हैं। देखो ये जो हम लोग जो लैंड है ये सारे देखो समुद्र पहाड़ के पास जो खाली जगह है ना, जंगल पहाड़ों में ये इसको सेटअप किया जाता है। इसमें हम लोग वैसे भी क्रॉप नहीं यूज करेंगे, हर जगह थोड़ी ना क्रॉप प्लांटेशन की जाती है। तो ऐसे जो खाली जगह रहते हैं वो सारे फील्ड्स में ये सब चीज सेटअप किया जाता है। ओके, तो कल हम लोग दोस्तों हाइडल पावर प्लांट करके चैप्टर को खत्म कर देंगे कल। आई विल ट्राई की फिनिश इट टुमारो इटसेल्फ, नहीं तो मैक्सिमम डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, और सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे दोस्तों हम लोग का ये रहेगा मैराथन क्लासेस, और स्केड्यूल में आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने से आपको ये सारे फायदे मिल जाएंगे। आज का यू नो करंट अफेयर का क्लास जरूर आप अटेंड करना शाम का, बिकॉज उसमें हम लोग पूरा फेब्रुअरी के करंट अफेयर्स और अभी जो रिसेंटली न्यूज में इस वीक में जो सारे आए हैं तो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज करंट अफेयर्स रहेगा, कोई प्रीवियस का क्वेश्चन नहीं रहेगा, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन इट वुड बी। करंट अफेयर्स आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो दैट विल बी कवर अप। डू ज्वाइन मी एट 8:30। सो बिफोर दैट दिस इज द डेली लाइव क्लासेस आपको मिल रहे हैं, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने से लाइव टेस्ट सीरीज मिल रहा है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड क्लासेस, ये सारे क्लास को आप अनलिमिटेडली एक्सेस कर सकते हो जब तक यू नो जितनी बार मन आए वो। तो आप ये देख सकते हो कि दीज आर द टॉप एडुकेटर्स हु आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी, रोमन साइनी सर, मृणाल सर, सुदर्शन सर, प्रकाश सर, आशीष मलिक सर, सो दीज आर द टॉप एडुकेटर्स जिससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे। तो कोर्सेज के आने वाले कोर्सेज के अपकमिंग कोर्सेज के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कितने सारे कोर्सेज में आपका यू नो ये सब्जेक्ट जो है कितने सारे क्लासेस में बाइफर्केटेड है उसका भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट जितने यू नो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों कोर्सेज का दाम जो है जो सब्सक्रिप्शन रेट्स है 40,500, उसको डिस्काउंट देकर 36,400 मिल जाएगा अगर आप कोड यूज करोगे अनुमिता 10। अनुमिता 10 यूज करते ही आपको 10
10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स में, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स के कोर्स में, प्लस लीजिए या आइकॉनिक कोर्सेज लीजिए, आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर, और आप चूज कर लीजिए अपना सूटेबल कोर्स। और दोस्तों ये जो क्लासेस रहेंगे अन अकेडमी में, वो इंग्लिश, हिंदी एंड बाइलिंगुअल रहेगा, तो आप अपने सुविधा के अनुसार यू कैन चूज। ओके, तो 1 ईयर का बैच, 2 ईयर्स का बैच, एनसीईआरटी का बैच है, ये सब 24th कल से स्टार्ट हो गया है, अभी भी देरी नहीं हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो जल्दी से। और डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड अनुमिता10, वो आप यूज करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट कोई भी कॉम्बो कोर्स ऑप्शनल या जीएस के में आप लगाओगे अनुमिता10। ओके, सो यू कैन गो एंड चेक आउट द कोर्सेस। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। See you tonight at 8:30 p.m.